साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर मिल रही है तो साथियों जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। और आज जो हमारा ये टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बड़े जंगे आज़ादी के मुजाहिदीन आज़ादी में से एक, जिन्होंने मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया था, यानी हसरत मोहानी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी मुकम्मल हालात ज़िंदगी को पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही अहम है यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए। ओके चलिए जी, चलिए ठीक है साथियों, सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है जी। और जिन लोगों ने टोटल 22 वीडियो जो अब तक बने हैं उसको आपने नहीं देखा है तो उसको वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक वीडियो जो है वो अपने में अलग अलग है, और अभी लगभग ये और भी चलेंगे। तो इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी, और जिससे हम तैयारी को और भी स्ट्रांग और मजबूत कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। साथियों हम लोग पढ़ेंगे हसरत मोहानी के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? हसरत मोहानी के बारे में। हसरत मोहानी का असल नाम था सैयद फजलुल हसन। क्या नाम था साथियों? सैयद फजलुल हसन। और इनका जो तखल्लुस था वो हसरत था, याद रखिएगा, ये आपका वीवीआई है साथियों। देखो यूजीसी नेट जीआरएफ का जो भी पेपर होता है, अगर उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सेम क्वेश्चन तो नहीं लड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है साथियों कि अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लड़ाया, जिस तरह उसमें देता है, दावा है, दलील है, ऑप्शन का मिलान करना होता है, जमानी एतबार से करना होता है, तो उसमें चारों ऑप्शन अगर आपको नहीं भी याद है, एक भी ऑप्शन अगर आपको याद है, फिर भी आप उसके सही राइट आंसर पर आप पहुंच सकते हैं। मैं उसको कल जो लाऊंगा मारुति सवालात, उसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह अगर आपको किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन याद है और उसमें चार ऑप्शन को मिलाने को दे दिया तो आप किस तरह उसको मिला सकते हो, ठीक है। ओके चलिए, असल नाम था सैयद फजलुल हसन और इनका तखल्लुस था हसरत, यानी हसरत मोहानी का। इनकी पैदाइश जो है 1880 और 81 के दरमियान हुई थी कस्बा मोहान में। कहां पर साथियों? कस्बा मोहान में, जो कि जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में अभी पड़ता है, याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट वीवीआई है। इसमें साथियों आपको पूछा जाता है मोहान, क्या आता है? मोहान। ये अभी उन्नाव में पड़ता है। कहां पड़ता है साथियों? उन्नाव में पड़ता है। ओके याद रखेंगे। इनकी जो वफात है यानी हसरत मोहानी की, 1951 ईस्वी में फरंगी महली लखनऊ में हुई थी। आप कह सकते हैं कि हसरत मोहानी पैदा भी यूपी में हुए और इनकी वफात जो है वो भी साथियों यूपी में ही हुई है, ठीक है जी। ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो हसरत मोहानी के जो वालिद का नाम है वो अजहर हसन है। क्या नाम है साथियों? अजहर हसन। हसरत मोहानी के वालिद का नाम अजहर हसन है और इनकी वालिदा का नाम है शहरबानो। क्या नाम है साथियों? शहरबानो इनकी वालिदा मुहतरमा का नाम है, याद रखेंगे, ये दो चीज आपके लिए काफी अहम है। उसके बाद चलते हैं, हसरत के सात भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे साथियों? तो सात भाई बहन हसरत मोहानी के टोटल थे जी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि हसरत की पहली बीवी का नाम निशात है जी। हसरत मोहानी की जो पहली बीवी है उसका नाम साथियों क्या है? निशात है, जो उनकी चचाजाद बहन थी। किसकी? हसरत मोहानी की। हसरत जब पहली बार जेल गए थे तो अपनी बीवी पर एक गजल कही थी जिसका रदीफ निशात है, जिसका रदीफ भी क्या है साथियों? निशात है। अब देखो निशात दो जगह आ गया, इस निशात से एक तो तीसरा निशात वो है जिसकी आवाज आपको मिल रही है, ठीक है साथियों, एक चौथा निशात वो है जो कि कश्मीर में बाघ है जी। तो वो सब आपको याद नहीं रखना है, यहां पर दो ही निशात याद रखना है, वो दोनों निशात से ताल्लुक जो है वो हसरत मोहानी से है। ओके, हसरत मोहानी की एक बीवी थी जिसका नाम निशात था। हसरत मोहानी ने एक गजल लिखा
जिसका रदीफ निशात है, जिसका रदीफ क्या है साथियों, निशात है जी, क्या है, जिसका रदीफ क्या है, निशात है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि हसरत मुहानी ने किन की याद में गजल लिखी जिसका रदीफ निशात था, तो किसकी याद में साथियों, अपनी बीवी की याद में, और वो बीवी जो है वो कैसी थी, उनकी चचा जी क्या थी, चचाजाद बहन थी, इसको भी आप याद रखेंगे। हसरत मोहानी साथियों टोटल 3 मर्तबा जेल गए थे, कितनी बार जेल गए थे साथियों, 3 बार जेल गए थे हसरत मोहानी, याद रखेंगे ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों, हसरत मोहानी जब अलीगढ़ आला तालीम हासिल करने गए थे तो उनकी हैयत देखकर लोगों ने उन्हें खाला जान कहकर पुकारने लगी। ये भी आपका वीवीआई है साथियों, आपको पूछा ये जाएगा कि हसरत मोहानी को लोग अलीगढ़ में देखकर किस नाम से पुकारने लगे, तो साथियों उसे किस नाम से, खाला जान कहकर पुकारने लगे जी, क्या एक किस नाम से, खाला जान कहकर पुकारने लगे, इसको आप याद रखेंगे। या फिर आप ये भी पूछा जा सकता है कि खाला जान कहकर किन्हें पुकारा जाने जा मतलब जाता है, तो आप याद रखेंगे हसरत मोहानी को। ओके चलिए, उसके बाद आगे कुछ टॉपिक है साथियों कि अलीगढ़ में बार बार मकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से प्रिंसिपल साहब ने उन्हें फर्दे सियाह में उनका नाम दर्ज कर दिया। फर्दे सियाह जी, क्या साथियों, फर्दे सियाह में। अब देखो ये टॉपिक इस तरह भी आपको पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ के प्रिंसिपल साहब ने किस बड़े जंगे आजादी या मुजाहिदीन आजादी को बार बार सियासत में हिस्सा लेने की वजह से फर्दे सियाह में क्या कर दिया था, डाल दिया था। तो साथियों याद रखना, फर्दे सियाह में किसने डाला था, तो अलीगढ़ के प्रिंसिपल ने किन्हें डाला था, हसरत मोहानी को, याद रखना साथियों। देखो अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो तो कितना छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कल पूछा था साथियों कि मीर तकी मीर जो है किसके बुलावे पर लखनऊ गए थे, तो पता है एक इतना इजी इजी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और कभी इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा कि आप वहां तक पढ़े भी नहीं है, ये होता है साथियों। तो पता है अगर पूरे सिलेबस पर आपको कमांड रहेगा और अगर आप सही में यानी अच्छे बुरे में सभी में आप तमीज कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाता है। ओके चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हसरत मोहानी 3 मर्तबा जेल गए थे, ये तो आपको मैंने पहले भी बतलाया। ओके चलिए, हसरत मोहानी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त नियाज फतेहपुरी थे। देखिए कभी कभी दोस्ती वगैरह से भी क्वेश्चन आता है, तो इनके जो सबसे करीबी दोस्त थे उनका नाम था साथियों नियाज फतेहपुरी। क्या नाम था साथियों, नियाज फतेहपुरी इनका नाम था। ओके चलिए, हसरत मोहानी ने बीए करने के बाद सन 1903 ईस्वी में अपना सियासी करियर का आगाज किया, यानी वो सियासत में आ गए थे। कब आए थे साथियों, तो 1903 ईस्वी में, याद रखेंगे ठीक है जी। और ये अलीगढ़ से इन्होंने साथियों बीए किया था। जब 1916 में कांग्रेस लीग का समझौता हुआ जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग होना चाहिए यहां पर साथियों जी, कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, तो हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि साथियों मुस्लिम लीग का जो, अगर आपको पूछ ले कि मुस्लिम लीग का कयाम कब अमल में आया, तो याद रखेंगे 1906 ईस्वी में साथियों मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया। लेकिन जब 1916 ईस्वी में जी, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर समझौता हुआ, तो उस समय साथियों क्या हुआ कि हसरत मोहानी जो है वो मुस्लिम लीग के सदर बनाए गए। अब आप एक चीज और यहां पर आप जान लेंगे साथियों कि मुस्लिम लीग बना क्यों। अगर आप और अगर आप इसके तह में जाएंगे तो साथियों आप थोड़ा सा अगर आप इस पे सर्च करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, तो आप थोड़ा मतलब मुख्तसरन ये जान लीजिए कि मुसलमानों को ये लगा था कि हमारे साथ कांग्रेस जो है नाइंसाफी कर रही। उस समय तो भाजपा थी नहीं, बीजेपी तो थी नहीं, तो उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी। तो जी, तो उनको ये लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उस वक्त के जो बड़े बड़े लीडरान थे उन्होंने साथियों ढाका में एक बहुत बड़ा जलसा किया और उन लोगों ने अपना एक अलग से एक पार्टी बनाया जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा साथियों। तो ये 1906 ईस्वी में बना था ठीक है। उसके बाद फिर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, तो उस समय मुस्लिम लीग के जो सदर बनाए गए वो हसरत मोहानी बनाए गए जी। और एक कमेंट आया है
कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन जी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं जी। 1946 में साथियों क्या हुआ, हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी असेंबली के लिए मुंतखब हुए। कब साथियों, यूपी असेंबली के लिए क्या हो गए, मुंतखब हो गए जी। अब यूपी असेंबली याद रखना जी। उसके बाद है हसरत मोहानी पहले मुजाहिदे आजादी हैं जिन्होंने 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के सालाना जलसे में मुकम्मल आजादी की तजवीज पेश की थी जी। ये साथियों पहले मुजाहिदे आजादी हैं जिन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए जी। क्या मुकम्मल आजादी चाहिए, ओके। उसके बाद आगे है कि हसरत मोहानी उर्दू के पहले शायर हैं जो 1857 की जंग आजादी के बाद सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेजों के कैद में रहना पड़ा था। दो चीज है साथियों, एक तो ये याद रखना कि हसरत मोहानी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुकम्मल आजादी की तजवीज पेश की थी, यानी इस एतबार से ये पहले शख्स हैं। दूसरा, अगर ये पहले शायर हैं कि जो कि 1857 में साथियों पहली जो जंग आजादी की बुनियाद डाली गई थी उस समय साथियों गिरफ्तार हुए थे और इन्हें जेल में रहना पड़ा था। और एक चीज जो सबसे अहम है साथियों वो ये है कि हसरत मोहानी ने 11 बार हज किया था। कितनी बार हज किया था साथियों, 11 बार हज किया था जी। कितनी बार हज किया था साथियों, तो 11 बार हज किया था, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जी इनकी जो तसानीफ है उसमें से कुछ चीजें हम लोग और देखेंगे। तसानीफ में साथियों निकाते सुखन ये इनकी किताब लिखी हुई है, मुशाहिदाते जंदा ये इनकी खुद नविश्त है। साथियों याद रखना, मुशाहिदाते जंदा किसकी खुद नविश्त है, तो हसरत मोहानी की लिखी हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं तो उर्दू मुअल्ला, एक उर्दू मुअल्ला तो आपने गालिब वाले इसमें भी पढ़ा है, तो एक उर्दू मुअल्ला इनका भी यानी हसरत मोहानी का है और ये रिसाला है साथियों। और सबसे अहम बात यह है कि 1903 ईस्वी में अलीगढ़ से शाये हुआ था और 1913 ईस्वी में उर्दू मुअल्ला का आखिरी मजमुआ शाये हुआ था। अब देखो, एक तो आपको उर्दू मुअल्ला, उरूद हिंदी, खतूत गालिब वो गालिब वाला में पढ़े हुए हैं, लेकिन याद रखना जब आपको पूछ ले कि उर्दू मुअल्ला रिसाला किनका लिखा हुआ है, उर्दू मुअल्ला रिसाला किनका लिखा हुआ है, तो साथियों हसरत मोहानी का। किनका है, हसरत मोहानी का। और उर्दू मुअल्ला जो है ये 1903 ईस्वी में साथियों हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से निकाला था और 1913 ईस्वी में उर्दू मुअल्ला का आखिरी जिल्द साथियों शाये हुआ था, यानी 1913 ईस्वी में क्या हुआ था, उर्दू मुअल्ला बंद हो गया था जी। उसके बाद आगे चलते हैं, 1913 में हसरत मोहानी फैजाबाद से कैसरे हिंद नाम का एक उर्दू हफ्तावार अखबार भी जारी किया था। अब देखो, एक तो कैसरे हिंद साथियों क्या है, ये एक खिताब में मिला था गांधी जी को 1915 में। कब मिला था, 1915 में, जिसे गांधी जी ने 1920 में साथियों लौटा दिया था। और एक कैसरे हिंद जो है ये आपका हफ्तावार अखबार भी है। क्या है साथियों, हफ्तावार अखबार भी है। जब आपको कैसरे हिंद हफ्तावार अखबार के बारे में पूछ ले तो साथियों इसको लिखने वाले कौन है, तो ये हसरत मोहानी का निकाला हुआ है। और कब साथियों, 1913 में। 1913 दो मानों में अहम है, एक तो ये है कि उर्दू मुअल्ला जो कि हसरत मोहानी का निकाला हुआ रिसाला है ये यहां पर बंद होता है, और फिर साथियों 1913 में कैसरे हिंद जो कि हफ्तावार अखबार है इसको जारी करते हैं हसरत मोहानी, यानी इसका साथियों क्या होता है, इजरा होता है जी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे चलेंगे साथियों जी। 1914 ईस्वी में तज़किरतु शोरा के नाम से एक सहमाई रिसाला जारी किया, एक 6 महीना वाला यानी 6 मंथ पर निकलने वाला एक इन्होंने साथियों रिसाला जारी किया जिसका नाम था तज़किरतु शोरा। अब देखो, अब तक आपने निकातु शोरा पढ़ा, यहां पर साथियों तज़किरतु शोरा आया है,
इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे साथियों जी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि तज़किरतुश्शेरा जो 6 माही रिसाला है इसको किसने जारी किया, तो साथियों हसरत मोहानी ने कब जारी किया, तो 1914 में, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे है 1928 में हसरत मोहानी ने मुस्तकिल नाम से एक रोजनामा शाये किया। किस नाम से साथियों? मुस्तकिल नाम से। कब? 1914 में। साथियों कुछ चीजें जो थी मैंने बहुत ही अहम आपको बतलाई हैं, एक बार इसको जानना बहुत ही जरूरी है जी। एक तो ये जान लीजिए कि अगर आपको जब कभी उर्दू मुअल्ला रिसाला का नाम पूछे, किसका नाम साथियों? उर्दू मुअल्ला रिसाला का नाम पूछे, तो याद रखिएगा उर्दू मुअल्ला रिसाला जो है ये हसरत मोहानी ने जारी किया था। कौन सा साथियों? उर्दू मुअल्ला रिसाला। कब जारी किया था? 1903 में ये जारी हुआ। और 1903 में ये जारी हुआ साथियों, कब जारी हुआ? 1903 में जारी हुआ और 1913 में साथियों ये बंद हो गया। क्या साथियों? उर्दू मुअल्ला, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों इन्होंने एक हफ्तावार अखबार भी निकाला जो कि कैसरे हिंद है। क्या साथियों? कैसरे हिंद के नाम से था और ये 1913 में इन्होंने निकाला। तो 1913 में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक कैसरे हिंद जो कि मतलब हफ्तावार अखबार है, उसके बाद साथियों इन्होंने एक निकाला तज़किरतुश्शोरा। क्या साथियों? तज़किरतुश्शोरा, ये इन्होंने 6 माही रिसाला है और ये इन्होंने 1914 ईस्वी में साथियों जारी किया था। उसके बाद इन्होंने 1928 में एक मुस्तकिल नाम से, किस नाम से? मुस्तकिल नाम से एक रोजनामा भी शाये किया था जी। क्या? एक मुस्तकिल नाम से एक रोजनामा भी शाये किया था। ओके जी, अब आपके कुछ कमेंट हो तो आप कर सकते हैं और बातों बातों में बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं जिसे आपको सुनना बहुत जरूरी होता है। और एक साथ ही कमेंट कर रहे हैं कि पिछला क्लास मुकम्मल नहीं हुआ था। कौन सा क्लास मुकम्मल नहीं हुआ था? साथियों आप में से अगर कोई भी जो दिसंबर वाला बैच में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं साथियों जी, जी सेमाही तीन माही भी ठीक है, सेमाही से का मतलब भी तो तीन ही होता है जी। और एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि साथियों 9 बजे क्लास ठीक है या फिर इस क्लास को 8 बजे कर दिया जाए? थोड़ा सा अपना हिसाब से नहीं बल्कि सभी का ख्याल करते हुए आप लोग बताएंगे जी। ओके ओके, चलिए बताइए। जी अगर मतलब क्या है उस्ताद जी, बायोग्राफी और मॉक टेस्ट क्या है? आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, बायोग्राफी का मतलब नहीं जानते किसी का जीवनी जी। ओके चलिए ठीक है, 9 बजे सही है, 9 बजे 8:30, देखो 8:30 तो नहीं होगा, 8 बजे या फिर 9 बजे, वो आप 8:30 आधा आधा करेंगे तो वो सही नहीं, 9 बजे ही आ रहा। क्लास बहुत अच्छा रहा सर, अच्छा ठीक है सर, कॉन्फर्म कर रहे हैं, बता दीजिए आपका किससे कौन सा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, और जितने भी मतलब ये है वो सब बहन है और जितने भी आप लोग है वो भाई हैं जी। ओके, और लेकिन एक भांजी है, सही है। ओके बात ठीक है साथियों जी, चलिए नवाक्स का ठीक है साथियों, तो 9 बजे ही ये क्लास होंगे। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। 9 बजे सही रहेगा जी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे ही रहेंगे। और कल से हमारी ये कोशिश होगी कि कुछ लोगों को मैं लाइव जोड़ूंगा, मतलब जिस तरह आप न्यूज वगैरह में देखते हैं ना जी, तो कुछ हमारे गेस्ट होंगे जो अनुभवी होंगे, वो आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। तो वो उसका हम आपको सप्ताह में एक बार हम किसी एक्सपर्ट को लाएंगे और वो अपना अनुभव शेयर करेंगे जी। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू।